हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एटीमन। तो आज हम करेंगे हमारा राजस्थान क्लास सिक्स, एक साथ सभी चैप्टर एक ही वीडियो में। और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, वहाँ सभी के लिए जो है आपके ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ में कंप्यूटर अनुदेशक का, प्रयोगशाला सहायक का, राजस्थान का, जीके जो है हर एग्ज़ाम में आपके पूछा ही जा रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बनाए हैं कि चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। एक चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ हैं और एक पैराग्राफ में जितने भी जो है लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ताकि आपको जो भी बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो इन क्वेश्चन आंसर से अपना पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये बुक जो है आपकी एनसीईआरटी के साथ में जो अभी वर्तमान में स्कूल में चल रही है, वही है, न्यू बुक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सिक्स क्लास होगी यहाँ पर आज। आप लोगों ने यदि पीडीएफ ली है, आप लोग रिवाइज करिएगा। जिन बच्चों ने नहीं ली है, तो वो इन क्वेश्चन आंसर को जो है वो याद करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन वन है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। यह 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसकी जो देशांतरीय स्थिति है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है, इसका कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ बिल्कुल मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ चैप्टर में, तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फोर, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? तो देखिए, पूर्व से पश्चिम जो है यह 869 किलोमीटर लंबा है, जबकि 826 किलोमीटर लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम जो है इसकी लंबाई अधिक है, जबकि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। तो इन चारों क्वेश्चन को है दोबारा से रिवाइज करा देती हूं मैं आपको, कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और अगर पूरा क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका 342,239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धौलपुर जो है राजस्थान का पूर्वी जिला है, और पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, या फिर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर है, और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा था, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेंगे और फटाफट से वो आंसर भी दे रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर में इतने अच्छे से मैं चीजों को दो तीन बार बोलती हूँ, जिससे कि वो वहां पर याद हो जाती है। और जब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी रिवीजन हो रही है। तो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो यह धौलपुर जिले में होता है। ठीक है, तो हमने देखा राजस्थान का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है, और पश्चिमी जैसलमेर है। तो सबसे पहले सूर्योदय जो है वो कहाँ हो रहा है? धौलपुर में हो रहा है, और सूर्यास्त भी यहीं पर होता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो हम बहुत बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि हमारे राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं।
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। जयपुर संभाग में आने वाले जिले कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि जयपुर संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं, तो जयपुर तो आएगा ही, इसके अलावा दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू ये भी आते हैं। ठीक है, जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, यानी जयपुर संभाग जो है इसमें 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर संभाग में आने वाले जिले कौन-कौन से हैं? जोधपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपके चैप्टर में जितना भी पैराग्राफ दिए हुए हैं उसमें से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन निकल सकते हैं वो सभी यहाँ इंक्लूड हैं। ठीक है, यदि आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी यहाँ आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी लाइन नहीं छोड़ी है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे आपको ये बुक्स जो है वो पढ़नी ही होगी, और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो 6 से 12 तक की बुक्स जो हैं उनके नोट्स बनाएं, उनको पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है तो उनको तो सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, उनको सभी चीजें, हर चीज की पीडीएफ जो है वो मिल रही है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा जो है इन क्वेश्चन आंसर सीरीज की पीडीएफ भी मिल रही है। तो अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? अजमेर आएगा, भीलवाड़ा आएगा, टोंक और नागौर। तो जो भी संभाग हैं इनमें ये जिले तो आएंगे ही, जैसे जयपुर संभाग में जयपुर तो आएगा, जोधपुर संभाग में जोधपुर आएगा और बीकानेर संभाग में बीकानेर आएगा, इसी तरीके से अजमेर संभाग में अजमेर जिला तो आएगा। बीकानेर संभाग में आने वाले जिले कौन-कौन से हैं? तो बीकानेर संभाग में आने वाले जिले हैं बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो मैप के द्वारा भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, तो फटाफट से इसका आंसर जो है वो साथ में देने की कोशिश करें। कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के क्या नाम है? कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के क्या नाम है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखिए क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है सेकंड ग्रेड में, आपको पता है, और एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत भारी भी हो सकता है और बहुत हल्का भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो आगे भी पहुंचा सकता है और एक ही क्वेश्चन आपको पीछे भी धकेल सकता है, इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है, रीट की तरह नहीं करना है कि जहां आपका तुक्का भी काम आ जाए। क्वेश्चन 14 देखिए, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो छठा संभाग जो उदयपुर संभाग है उसमें आने वाले जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। भरतपुर संभाग में आने वाले जिलों के क्या नाम है? भरतपुर संभाग में आने वाले जिलों के क्या नाम है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, तो ध्यान से इस चीज को सुनिए कि जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू ये आता है। सबसे पहले तो आपके माइंड में राजस्थान का मैप होना चाहिए। ठीक है, अब अपने माइंड जो है उससे सोचते हुए चलिए कि जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू है, जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ है, अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर है, कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं, उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं, और भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, चीजों को बार बार पढ़ना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक चीज को कई बार दोहराती हूँ, क्योंकि बार बार दोहराने से ये चीजें जो है वो आपको अपनी सी लगने लगेंगी, ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप गाना सुन रहे हो। वीडियो को बार बार सुनना है, आपको चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? यह 5,920 किलोमीटर है। और जहां हमने कुल क्षेत्रफल देखा था कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। यह 10 जिलों से सीमा लगाता है। राजस्थान के 10 जिलों से यह टच होता है मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी सीमा 10 जिलों से मिलती है, वहीं पर सबसे छोटी सीमा जो है वह पंजाब राज्य से मिलती है। राजस्थान वर्तमान स्वरूप जो है वो कब सामने आया? वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान का कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला है। और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? देखिए, इस वक्त वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे याद रखना है? 28 8। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमने अभी राजस्थान के बारे में जाना था, थोड़ा सा हमें जो है भारत के बारे में भी जानना है, जो कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ था। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 10.41% है। कितना है? यह भारत का लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है? एक लाइन है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो इसका निर्धारण जो है हुआ 1947 में, जब हम आजाद हुए थे। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है और वह कितनी लंबी है? तो मैप जो है आप लोगों को याद है, तो आपको पता है कि इसकी पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगती है, जो कि 1,070 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 27। केंद्र शासित प्रदेश से क्या अभिप्राय है? केंद्र शासित प्रदेश से क्या अभिप्राय है? तो कई बार पूछ लिया जाता है डेफिनेशन कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, जिन पर कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का होता है, तो उन्हें कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने यहाँ पर ले लिए हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, बृहत संहिता में मिलता है? तो किस प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, बृहत संहिता में मिलता है? इसका आंसर है मरु प्रदेश का उल्लेख हमें ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, बृहत संहिता में मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान किस जिले में है? प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान में किस जिले में है? तो हम जानते हैं कि जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू और नागौर जितने भी जिले आ रहे हैं, ये सभी मरु प्रदेश को बताते हैं। ठीक है, याद रखना है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू और नागौर। जांगल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम था? जांगल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका नाम था अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग यह जांगल प्रदेश में आता है। एक बच्चा बोल रहा था कि मैम क्वेश्चन जो है वो इतने आसान हैं। आसान नहीं है, बल्कि आप लोगों को मैंने इतना पढ़ा दिया है, इतनी चीजें समझा दी हैं कि ये चीज आपको आसान लगने लगी है।
नेक्स्ट देखिए, यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? तो वह जांगल क्षेत्र से होकर गुजरे थे। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरे थे? बीकानेर, नागौर और जोधपुर से होकर गुजरे थे। किस जनपद की राजधानी महाभारत काल में विराट नगर थी और उस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है मत्स्य जनपद, जो वर्तमान में जयपुर और अलवर का जो हिस्सा है वह उस वक्त मत्स्य जनपद में आता था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी को महाभारत काल में क्या थी? विराट नगर थी। और इस जनपद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सूरसेन जनपद में कौन कौन से जिले आते हैं? सूरसेन जनपद में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों ही जिले आते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला देखिए, आर्यों का आरंभिक जनतंत्र कौन सा था? आर्यों का आरंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मत्स्य जनपद जो है वह आर्यों का आरंभिक जनतंत्र था। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? चीनी यात्री युआन चांग ने, ठीक है, या फिर कहीं पर लिखा होगा हुएन सांग। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? तो यूनानी लेखक सिकंदर ने सूरसेन का उल्लेख किया। नेक्स्ट देखिए, कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है बयाना प्रशस्ति। बयाना प्रशस्ति में हमें सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब से जो जातियां आई थी उनका नाम था मालव, शिवी और अर्जुनायन, ये राजस्थान में आकर बसी। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति ने आधिपत्य किया? तो ये जातियां जो थी वो बाहर से आई थी, तो शिवी जाति ने आधिपत्य किया उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर अधिकार। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है माध्यमिका या मच्छमिका, दोनों ही याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? माध्यमिका या मच्छमिका इसकी राजधानी थी। और सूरसेन जनपद की राजधानी क्या रही? मथुरा रही। वहीं पर जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर रही। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मच्छमिका या माध्यमिका इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यह चित्तौड़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए। चित्तौड़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेवाड़, मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर, अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? अभी हमने क्या पढ़ा था कि उदयपुर के आसपास के भाग में जो शिवी जाति थी उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वहीं पर पूर्वी राजस्थान में अर्जुनायन जाति जो थी इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? जयपुर के निकट नगर या टोंक, ठीक है, जयपुर के निकट नगर जो है टोंक, वहां पर मालवों ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। तो हमने तीन जातियां पढ़ी जो कि पंजाब से आई थी, राजस्थान में आकर बसी थी। तो हमने देखा कि शिवी जाति जो कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में आकर बस गई थी। वहीं हमने देखा कि अर्जुनायन जो है वह पूर्वी राजस्थान भरतपुर अलवर में आकर बसी, और मालवा मालवों की जो शक्ति का केंद्र था उन्होंने जयपुर के आसपास रखा।
मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? यह नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? 5वीं सदी में जब हूण आए तो उनके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई। जनपदों के पतन का वर्णन हमें कहां से मिलता है? जनपदों के पतन का वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो इसका वर्णन हमें बृहद संहिता ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद सभी क्षेत्र किन नामों से जाने लगे? जनपद समाप्त हो गए उसके बाद इन्हें हम जानने लगे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ोती, डूडाड़ और मेवात। नेक्स्ट है, प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आते हैं वर्तमान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही? तो समय समय पर मेवाड़ की राजधानी बदली। मेवाड़ की कुल राजधानी रही 7, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, चावंड और उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं? राजस्थान के कितने क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर 2 क्षेत्र जाने जाते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, पिलानी के पास नरहर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पिलानी के पास जो नरहर क्षेत्र है इसको कहा जाता है बागड़ क्षेत्र। ठीक है, तो बागड़ क्षेत्र में ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पिलानी के पास जो नरहर क्षेत्र है इनको मिलाकर बागड़ का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 29, मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे उनका शासन था मंडोर पर 7वीं शताब्दी में। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में जानते हैं हाड़ोती क्षेत्र के नाम से। तो 2 क्षेत्र हमने पढ़े, बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और वहीं पर कोटा बूंदी का क्षेत्र को हाड़ोती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो यहाँ मीणा जाति के लोग रहते थे। बूंदी नामकरण किसके नाम पर पड़ा? बूंदी नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो देखिए, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे डूडाड़ क्षेत्र। कछवाहा वंश से पहले डूडाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? तो यहाँ पर मीणा और बड़ गुर्जर रहते थे। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? तो यहाँ पर गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन रहा। नेक्स्ट है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो देखिए, मेवात क्षेत्र है तो यहाँ पर मेव जाति रहते थे। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो प्रसिद्ध नायक था हसन खां मेवाती। तो अब आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ही आसान लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और अब ये आपकी एक तरीके की रिवीजन हो रही है। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो वह खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इसे कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जानते थे।
झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ को मालवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीनों ही क्षेत्र आते हैं शेखावटी क्षेत्र में। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर जो है वो इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इन बुक से ही आते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब सोचते हैं हमें ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे पास बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे इनको याद करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जिस वजह से हम गलत टिक कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर, इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर है चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख से हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, तो जयानक जो पृथ्वीराज तृतीय थे उनके दरबार में विद्वान थे, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। इस महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। और सर्वाधिक इन्होंने जब दरबार में थे पृथ्वीराज तृतीय के, तो उनके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें भी की। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद सूरी के द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है, तो हमीर महाकाव्य से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 है। पश्चिमी भारत की यात्रा के रचयिता कौन है? पश्चिमी भारत की यात्रा के रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, याद रखना है। कर्नल जेम्स टॉड ने किसकी रचना की? पश्चिमी भारत की यात्रा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर है। नेक्स्ट देखिए वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो वीर विनोद के रचयिता हैं श्यामल दास। देखिए इस चैप्टर में आपको केवल यही याद रखने हैं कि किसने किसकी रचना की, जहां से हमें इतिहास जानने के स्रोत मिलते हैं। तो बस नाम ही आप लोगों को इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की? विश्वेश्वर नाथ ने मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना की। तो इसमें 10 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे विकसित हुए हैं? राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष यानी पाषाण युग के अवशेष जो है वह है किन नदियों के किनारे विकसित हुए हैं? बनास नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी और चंबल नदी के किनारे विकसित हुए। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? धातुओं में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो बच्चे
आरबीएससी की बुक जो है नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपके आरपीएससी लेवल का, तो वहां पर आपको ये बुक में से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिटेल में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिया है, यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो यह हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है और घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित तो हुई थी। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? अमलानंद घोष, इन्होंने क्या की थी, पहचान की थी इस सभ्यता की, और यहाँ पर जो खुदाई की थी वो बी.बी. लाल और बी.के. थापर ने की थी। क्वेश्चन 8, कालीबंगा सभ्यता में नालियां किससे बनी हुई थी? तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता में नालियां जो थी वो किससे बनी हुई थी, तो यह लकड़ी की भी बनी थी और ईंटों की भी बनी थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो मकान बनाने के लिए प्रयोग करते थे ईंटों का, ठीक है। तो ईंटों का प्रयोग जो है वो कालीबंगा सभ्यता में किया जाता था। नेक्स्ट है, कालीबंगा में अग्निवेदिकाएं कहाँ पर बनी होती हैं? तो अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से, और ये चबूतरों पर बने होते थे। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? कालीबंगा की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह किस सभ्यता के समान थी? तो यह सिंधु सभ्यता के समान थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार था, कि नगर जो है वहां पर सड़कें थी वो पक्की थी और समकोण एक दूसरे पर काटती हुई थी, इसी तरीके से कालीबंगा सभ्यता में थी। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? तो यहाँ कृषि जो है वो नगर में ना करके नगर की चार दीवारी के बाहर की जाती थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये हमने अभी क्वेश्चन पढ़ लिया था, रिपीट है कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो विशेष तौर पर किया जाता था। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गाय के मुख वाला प्याला जो है वह हमें किस सभ्यता से मिलता है? तो यह कालीबंगा सभ्यता से मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग गाय को भी पालते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जिस तरीके से गाय के मुख वाला प्याला मिला है उसी तरीके से यहाँ पर बैल की मूर्ति मिली है तांबे की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग बैल भी पालते थे, तो यह कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलती है। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो कांसा जो है वह कालीबंगा सभ्यता से हमें मिला है, तो यहाँ कांसे का दर्पण भी मिला है। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना हुआ कंघा मिलता है? तो कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है, जो स्त्रियां थी वो जो सौंदर्य के जो साधन होते थे उनका यूज करती थी, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कंघा मिला है जो कि हाथी दांत से बना था, तो ये कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा सभ्यता का विनाश का कारण क्या माना जाता है? अब इतनी अच्छी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, फिर भी इसका विनाश हुआ, तो इसका कारण माना जाता है कि जो नदी है यानी घग्गर नदी है उसका पानी सूख गया होगा और मरुस्थल के बढ़ने की वजह से ये सभ्यता का विनाश हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? उदयपुर में धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो यह आहट सभ्यता से है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सभ्यता को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो किस सभ्यता को जाना जाता था ताम्रवती के नाम से? तो वह आहट सभ्यता थी, ठीक है, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21, किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो वह सभ्यता है आहट सभ्यता, यानी यहाँ पर संयुक्त परिवार जो है इसके प्रमाण मिलते हैं।
कौन सी सभ्यता जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च कोटि के चावल का प्रयोग जो है वह किस सभ्यता से मिलता है? यह आहर सभ्यता से मिलता है, जिसे हम धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, आहर सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर जो चूल्हे प्राप्त हुए थे वह भट्टी के आकार के थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन से स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो इसका सही आंसर है आहर सभ्यता के निवासी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आहर सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए थे? तो ये लाल काले रंग के थे, यानी लाल भूरे रंग के कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आहर सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? आहर सभ्यता में मकान जो थे वो किसके बने होते थे? तो ये कच्ची ईंटों के, और नींव जो थी वो पत्थर की। मकान तो कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन उनकी नींव जो होती थी वह पत्थर की बनी होती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27, किस सभ्यता से हमें 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त होती हैं? तो वह सभ्यता कही जाती है आहर सभ्यता, जहां हमें 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 28, धूलकोट के विध्वंस के बाद के यहाँ के लोगों ने कौन से नगर बसाए? तो यह सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है, और फिर यहाँ के लोग जो हैं वो आगे चल के नगर बसाते हैं, ग्लूंड और भगवानपुरा जैसे नगर बसाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सभ्यताओं के बारे में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर है ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 है, किस सभ्यता स्थल से हमें 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सी सभ्यता है जहां से हमें 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है बालाथल सभ्यता। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो यहाँ हमें ताम्र सभ्यता के अलावा भी लोहकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं, यानी बालाथल सभ्यता से हमें तांबा तो मिलता ही है, इसके साथ साथ लोहा भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोहा गलाने की भट्टियां जो हैं वह हमें कहाँ से मिली हैं? तो बालाथल सभ्यता से मिली हैं, यहाँ हमें तांबा और लोहा दोनों ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बैराट जयपुर के अलावा किस स्थान से हमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए बैराट जयपुर से तो हमें बुने हुए वस्त्र मिले ही हैं, इसके अलावा बालाथल से भी हमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीकर जिला नीम का थाना तहसील से प्राप्त हुए हैं। तो हमने बालाथल सभ्यता पढ़ ली, कालीबंगा और आहर सभ्यता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, और अब हम गणेश्वर सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, यहाँ से हमें सबसे पहले तांबे के अवशेष जो है वो मिलते हैं, यानी सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है, इसीलिए इसे ताम्र सभ्यताओं के जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर से कौन सा तांबे के उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो यहाँ देखिए यहाँ पर दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन जो है वह निर्यात की जाती थी मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं? यहाँ हमें दो प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो अब देखिए जहां से हमें लोहे के अवशेष मिले हैं तो ये है बैराट सभ्यता, सांभर, बागोर और रेन सभ्यता। बैराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बैराट जो है वह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम सभी सभ्यताएं जो है वो उसके सभी क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, बीजक की पहाड़ी भीम की डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो यह बैराट से ही संबंधित है, बैराट स्थल से ही संबंधित है।
राजस्थान की किस सभ्यता से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? राजस्थान के किस सभ्यता से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो यह बैराट से ही प्राप्त हुई हैं। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो इस बैराट में ही, विराट नगर के नाम से जो जाना जाता है, यहां पर पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास बिताया था महाभारत के अनुसार। राजस्थान में मौर्य काल का मुख्य केंद्र क्या रहा था? तो देखिए, जो बैराट सभ्यता है वह हर युग में ही यहाँ से अवशेष जो है वो मिलते हैं। पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ मौर्य काल में मुख्य केंद्र रहा है बैराट। किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के भाब्रू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो मिलते हैं बैराट स्थल से। नेक्स्ट देखिए, 36 चांदी की मुद्राएं जो बैराट से प्राप्त हुई उनमें से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? तो 36 चांदी की मुद्राएं हमें मिली थी बैराट स्थल से। तो इसमें 28 जो मुद्राएं हैं वह भारतीय यूनानी शासकों की हैं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं जो हैं वो पंचमार्क हैं? तो यहाँ पर 8 मुद्राएं जो थी वह पंचमार्क थी। नेक्स्ट देखिए, कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह जो है वो अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हस्त निर्मित वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो यह बैराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त जो है वो घड़े मिले हैं, दीपक मिला है, नाश्ता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूक मिली है, लोहे की कील मिली है और हस्त निर्मित वस्त्र भी मिला है। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है। हर क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आप लोगों का काम है कि बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ना और वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ताकि हर चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को समझ में आ सकें। चैप्टर नंबर 5, तो बहुत अच्छे से रीडिंग मैंने आप लोगों को करवा दी थी। जिन बच्चों ने नहीं की है अभी भी कर लीजिए, क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि आरपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग राजस्थान का जीके इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ हम चैप्टर पढ़ते हैं और उसके हर एक पॉइंट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा था और इनके आंसर जो है वो देने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन 1 है, राजस्थान की रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के कौन कौन से पदाधिकारी थे? तो यहाँ पर राजा था, मंत्री था, बख्शी था, खंजाची, परगना अधिकारी भी था। नेक्स्ट देखिए, राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन था? तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र था राजा। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वह थी ग्राम। तो जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है वो लोग तो फटाफट से इसका आंसर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल चुकी है और उन लोगों ने याद करना भी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम का प्रशासन कौन करता था? तो ग्राम का प्रशासन करता था ग्राम पंचायतें। राज्य में सेना को वेतन देना, सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो देखिए, क्वेश्चन जो है इस तरीके का है, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन जो है वह बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है यदि ऑप्शन आ जाते हैं। तो राज्य में सेना को वेतन देना, सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यह बख्शी की होती थी। खंजाची का क्या कार्य था? खंजाची का क्या कार्य था? तो बख्शी और खंजाची, इनमें थोड़ा सा अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। खंजाची का कार्य था आमदनी और खर्च के हिसाब को क्या करना, बैलेंस करना, और बचत को सुरक्षित करके राजकोष को बढ़ाना। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र किस पर आधारित था? तो मध्यकाल का जो संपूर्ण शासन तंत्र था वह राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। तो यहां पर पूछा गया है, मध्यकाल का जो शासन व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर। जागीरदार का मुख्य कार्य क्या था? तो जागीरदार का कार्य क्या था? जागीर की सुरक्षा करना और उसका संचालन करना। जिन बच्चों को क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत परेशानी आ रही है, तो प्लीज प्लीज अभी जाकर चैप्टर जो है वो पढ़िए, वरना अगर आप
सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं या आरएएस की भी तैयारी करने वाले हैं और आप इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग अपनी जो है मजबूत कर लीजिए अभी से ही पढ़ाई, क्योंकि स्टार्टिंग से ही यदि जो बच्चा पढ़ाई करता है तो एंड में आकर उसको परेशानी नहीं होती है। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था? तो यह दो भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा रियासती भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, जो कि बहुत बड़ा माना जाता है, 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम है इसमें बहुत बड़े ही चेंज आए थे, तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? यह 1952 ईस्वी में हुए थे। तो प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो आंसर है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कब बने? तो यहाँ पर 1952 में बने थे। चैप्टर नंबर 6, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले आपको बुक जो है वह इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि क्वेश्चन के सही आंसर जो है वो आप सोच सको और यहीं पर आंसर देने की कोशिश भी करो। तो इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी जो है वह करते हैं सभी बच्चे। आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो वहां पर राजस्थान जीके के लिए आपको इन्हीं बुक को फॉलो करना होगा। क्वेश्चन 1 है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभक्त किया गया है? भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो आंसर है थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में आता है? थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में आता है? तो यह आता है पश्चिमी भाग में। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है। चैप्टर को सबसे पहले रीडिंग करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। राजस्थान राज्य के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो यह थार का मरुस्थल 12 जिलों में फैला हुआ है और थार का मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 12 जिलों में स्थित है थार का मरुस्थल और यह 61% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इस मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को हम क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है भारतीय महामरुस्थल। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो अभी हमने भू संरचना के आधार पर देखा था, अब हम देख रहे हैं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। तो इसे हम बांटते हैं मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। तो देखिए हम लोगों ने देखा था राजस्थान का मैप भी बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मरुभूमि कहाँ है, घग्गर का मैदानी भाग कहाँ है, अर्ध मरुस्थलीय भाग कहाँ है, नागौर की उच्च भूमि कहाँ है और अंतः प्रवाही प्रदेश कहाँ है। तो सबसे पहले मैप जो है वो आपको याद रहना चाहिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? तो यह 9% भाग पर विस्तृत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत और यह दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से लेकर और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक फैला हुआ है। यह 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो यह दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से लेकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो यह दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को ही कहा जाता है और इसके पश्चिमी भाग जो कि शुष्क कहलाता है और वहीं इसका जो पूर्वी भाग है वह मैदानी भाग कहा जाता है। इसीलिए राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला।
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है और यह माउंट आबू और सिरोही में स्थित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो यह जो पूर्वी मैदानी भाग है, तो यह चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसी वजह से इसे मैदानी भाग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 23% भाग पर। उत्खात भूमि किसे कहा जाता है? उत्खात भूमि किसे कहते हैं? तो इसे नाली अपरदन के कारण जो भूमि अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसे कहते हैं उत्खात भूमि। पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितनी जनसंख्या जो है वह निवास करती है? तो यहाँ पर 40% जनसंख्या जो है वह निवास करती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 56 गांवों के समूह और 56 नालों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर 56 नालों से निर्मित मैदान कहलाता है, 56 का मैदान। इन क्वेश्चन आंसर से हम लोग पूरा चैप्टर ही कवर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन जो है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे। राजस्थान के कितने भाग में दक्षिण पूर्वी पठार है? तो दक्षिण पूर्वी पठार 7% भाग में है। सिरोही में कौन सा पठार स्थित है? सिरोही में उड़िया और आबू का पठार स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर एवं राजसमंद में कौन सा पठार स्थित है? आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है, यदि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, और यदि फिर भी आप आंसर ना दे पाए तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है? और इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर लीजिए कि आप लोग जब भी अपने नोट्स बनाएंगे, या आप बना चुके हैं, या जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वहां जो भी नोट्स होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो उदयपुर और राजसमंद में है भौराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार स्थित है? चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ ऊपरमाल का पठार स्थित है। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित कौन सा पठार है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार स्थित है। तो क्लास इतनी छोटी है, लेकिन क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछे भी गए हैं। राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान जो ऊंचाई पर होगा, तो वह है माउंट आबू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ इन हवाओं को कहते हैं लू, और यह एक स्थानीय पवन है। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा किस ऋतु में होती है? तो यह वर्षा ऋतु में ही होती है, ठीक है? तो वर्षा ऋतु में ही 90 से 95% तक वर्षा जो है राजस्थान में हो जाती है, और यह सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे आर्द्र जिला माना जाता है? जो आर्द्र जिला जो है वह झालावाड़ को माना जाता है। यहाँ 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो पश्चिमी भाग ही, जो कि शुष्क है, तो यहाँ पर जैसलमेर में केवल 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ देखिए, माउंट आबू जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, जहाँ 150 सेंटीमीटर से लगभग वर्षा हो जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस फसल को लाभ मिलता है? तो यहाँ पर जो मावठ जिसे कहते हैं, उससे गेहूं की फसल को ही लाभ मिलता है। तो इस तरीके से 31 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में निकल कर आए हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7,
जल संसाधन एवं संरक्षण। यहाँ हम नदियों के बारे में, झील के बारे में पढ़ेंगे जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो ये आपकी न्यू बुक है जो कि अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं, ये न्यू बुक है जो आपकी वर्तमान में स्कूल में चल रही है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राजस्थान में जल विभाजक किसे कहा जाता है या राजस्थान में जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानिए कि जल विभाजक यानी जल को बांटना, तो ऐसी रेखा जो है दो अपवाह क्षेत्रों के बीच में जो भूमि ऊंची उठ जाती है, तो क्या होता है कि वर्षा का पानी जो है वह अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगता है। अब कोई भी ऊंची भूमि होगी और वर्षा का पानी वहां पर पड़ेगा तो क्या होगा, वो विभिन्न दिशाओं में पानी चला जाएगा, तो उसे ही कहते हैं जल विभाजक रेखा। जो भी ऊंची भूमि उठ गई है उसे ही कहेंगे जल विभाजक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान में जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पर्वत को। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है उसे राजस्थान में जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और एक लाइन और याद रखिएगा कि जो सहायक नदियां किसे कहते हैं, सहायक नदियां किसे कहा जाता है? तो ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए। मान लीजिए कि राजस्थान में चंबल क्या है, बड़ी नदी है, और इसमें इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जैसे कि बनास है, भेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती है, तो ये आकर उसमें मिल रही हैं। ये सभी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो यहाँ लाइन वही है दोनों क्वेश्चन में, लेकिन क्या है, अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है, तो एग्जाम में इसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मैम ने हमें तो केवल यही वाली लाइन लिखवाई थी, बस आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, और जो राजस्थान में अरावली पर्वत है वह एक जल विभाजक रेखा है। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? राजस्थान में अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में जाकर मिलती हैं? तो ये सभी नदियां जो हैं चंबल से प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं। तो बनास, काली सिंध, पार्वती ये सभी नदियां जो हैं चंबल की सहायक नदियां हैं, तो ये सभी नदियां चंबल में मिलती हैं और चंबल से प्रवाहित होकर ये नदियां यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है? तो देखिए गंगा नदी, तो सबसे बड़ी नदी यहां कौन सी हुई, गंगा नदी। ठीक है, क्या हुआ कि राजस्थान में बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध ये चंबल में जाकर मिली, चंबल नदी जो है वह यमुना में जाकर मिल जाती है यूपी में, उसके बाद जो यमुना नदी है वह गंगा की सहायक नदी है तो वह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। डिटेल में देखिए मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप लोग वहां पर जाकर अच्छे से रीड करिए और इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं लूनी नदी, माही नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियां। ये सभी नदियां जो हैं कहां पर जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां से होकर जाती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, याद रखना है लूनी नदी, माही नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, तो ये अरब सागर का अपवाह तंत्र हुआ। ऐसी नदियां जो समुद्र में ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं, ना तो वो बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं ना ही अरब सागर में जा रही हैं, तो ऐसी नदियों को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदियां कहेंगे। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां हैं घग्गर नदी, बाण गंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और मेणा नदी, ये सभी आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं। इससे पहले आप लोगों ने इतने बारीकी से ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आपको ध्यान देना है यदि आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार एग्जाम में इस नदी के बारे में बहुत पूछा गया है, रूपारेल नदी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, कहां से निकलती है चंबल नदी? तो यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से
निकलती है। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और देखिए राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है, उसके बाद ये कोटा जाती है, बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर जाती है, करौली जाती है, धौलपुर जाती है, और उसके बाद यह यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो याद रखना है बनास, बेड़स, कोठारी, कालीसिंध और पार्वती, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि सालों साल वो बहती रहती है और सबसे लंबी है राजस्थान की, तो वह है चंबल नदी, ठीक है। राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हमने अभी देखा था कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल एमपी से हो रहा है, विंध्याचल पर्वत से, और राजस्थान में यह चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़, तो यहां से प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, तो देखिए 6 जिले हैं, भैंसरोड़गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है, और इसके बाद यूपी में चली जाती है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो याद रखना है 6 जिले जो अभी हमने देखे थे। राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए कोटा जो है औद्योगिक नगर कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है, और जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से। तो बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से जन्म लेती है, ठीक है। इसी तरीके से यह नदी भी 5 जिले या 6 जिले यहां से होकर गुजरती है, ठीक है, लगभग 5 जिलों से होकर ही गुजरती है बनास नदी। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। तो मैंने आपको बताया था कि 5 जिलों से होकर गुजर रही है बनास नदी, जबकि चंबल नदी 6 जिलों से होकर गुजर रही है। तो यह सबसे पहले राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, उसके बाद यह चित्तौड़गढ़ जाती है, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट में ये चंबल नदी से मिल जाती है। बनास नदी चंबल से किस स्थान पर मिलती है? बनास नदी चंबल से किस स्थान पर मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सवाई माधोपुर के पास यह रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल जो है वह यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में ऐसा बनाते जाइए कि ये नदी यहां से निकली है, यहां गई है, और उसके बाद फिर इसका जो उद्गम स्थल से लेकर और इसका अंत जो है कहाँ तक होता है। सबसे पहले तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, जहां अभी आप स्टडी करते हैं, वहां पर भारत का और राजस्थान का जो मानचित्र है उसे लगाएं, मैप लगाएं, और उसमें जितने भी जिले हैं उनको फिल करें और अपने आगे रखें हमेशा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सी नदी जो है वह कौन से जिले से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट देखिए 20 है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी मौसमी नदी कौन सी है? अभी हमने क्या देखा था कि राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली तो वह थी चंबल। अब क्या है कि सबसे लंबी मौसमी नदी जो मौसम के अकॉर्डिंग बह रही है वो भी वो केवल राजस्थान में, तो वह है बनास नदी। यह 480 किलोमीटर लंबी बहती है और सब पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, यानी केवल राजस्थान में ही बहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21, बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? बनास नदी की सहायक नदियां मेनाल है, कोठारी है, पेड़च है और खारी नदी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो यह नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के पास में से निकलती है, ठीक है, और दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम
होता है। तो कहां से निकल रही है यह, कौन से जिले से निकलती है? अजमेर जिले से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? तो याद रखिएगा कि अजमेर के गोविंदगढ़ के पास में ही यह नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में जिला ना पूछकर स्थान पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 24 है, लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के पास से निकलती है और सरस्वती और साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, अब कौन कौन से जिले से होकर यह गुजरती है? तो यह बहती है अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यह लूनी नदी जो है यह भी 6 जिलों से होकर गुजर रही है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। नेक्स्ट देखिए, लूनी नदी का पानी किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो यह बाड़मेर जिले के बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। या यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लूनी नदी का पानी जो है किस स्थान तक मीठा होता है? तो यह कहां तक मीठा होता है? यह होता है बाड़मेर जिले से पहले मीठा होता है और उसके बाद बाड़मेर जिले के बालोतरा के बाद में यह खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? तो यहां पर लूनी नदी की सहायक नदियों को याद रखना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बहुत ही अजीब नाम है इनके। जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाही, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। तो क्वेश्चन 28 है, माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है? माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? तो यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दो जिलों में बहती है और उसके बाद यहां से वह खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और वहीं हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था कि वह कहां चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदी है। 31 क्वेश्चन है, माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में बहती है और उसके बाद यह खंबात की खाड़ी में चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो यह जयपुर जिले में है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वह जयपुर से है, अरावली की बैराट पहाड़ी से। बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने देखा जयपुर जिले में ही बैराट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो देखिए 6 क्लास है जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 है चैप्टर नंबर 7 का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो यह है बाण गंगा नदी, जो कि भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जाकर भूमिगत हो जाती है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो घग्गर एक अंतःप्रवाही नदी है जो कि राजस्थान में ही वहीं पर ही लुप्त हो जाती है। तो इस नदी का उद्गम स्थल कहां से है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से। घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? तो यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से आती है यह और फिर हनुमानगढ़ में जाकर
प्रवेश करती है, फिर श्री गंगानगर में जाती है और वहीं तक इसका अंत हो जाता है, वहीं पर यह भूमिगत हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अंतर्प्रवाही नदी। घग्गर नदी किस स्थान पर भूमिगत हो जाती है? तो राजस्थान जो है, उत्तरी राजस्थान, वहां पर यह प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में और फिर श्री गंगानगर में जाकर भूमिगत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन, घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी इसे माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? जहां पर कई प्रकार के उद्देश्य जो हैं वो पूरा कर लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, बाढ़ पर नियंत्रण पाना, मृदा का जो कटाव है उसे रोकना, पर्यटन, ये सारे उद्देश्य जब एक जगह पूरे होते हैं तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? चंबल परियोजनाएं किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो दो राज्यों में लाभ पहुंचाती है यह चंबल परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी वो इन क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग चैप्टर जो है उसको अच्छे से पढ़िए। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो यहाँ 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर, जिसमें पहला बांध जो है वह गांधी सागर बांध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये बांध है। तो हमने देखा कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने, गांधी सागर बांध और उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जैसे हमने देखा चंबल परियोजना जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, वही राजस्थान और गुजरात इन दोनों की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, और जो कि माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले से ही माही नदी जो है वह निकलकर जाती है गुजरात की तरफ। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? तो यह बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भी वही है कि पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है। यह टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में स्थित है। बीसलपुर बांध कहाँ है? तो मैंने आपको बताया कि टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में स्थित है, जो कि बनास नदी के पास है। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? तो किनको होती है आपूर्ति, किन जिलों को? तो देखिए, यहाँ जयपुर, अजमेर और टोंक और इसके साथ साथ अन्य जो पास के क्षेत्र हैं इनको पेयजल आपूर्ति की जाती है बीसलपुर परियोजना से।
सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, माही बजाजसागर परियोजना जो है वह गुजरात और राजस्थान की है, बीसलपुर परियोजना जो है वह टोंक जिले की है, वहीं सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और जो बीसलपुर परियोजना है वह कहाँ की है? राजस्थान की। नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है वह गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? तो चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वहीं राजस्थान में यह बाड़मेर और जालौर में फायदा दिलाती है। जवाई बांध कहाँ स्थित है? जवाई बांध जिस पर जवाई परियोजना स्थित है, तो यह बांध स्थित है पाली जिले में। ठीक है, याद रखना है इस पर जवाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध है डूंगरपुर जिले से, और यह परियोजना सोम नदी पर स्थित है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध है उदयपुर जिले से। तो ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। जाखम परियोजना से संबंधित संबंध किससे है? जाखम परियोजना का संबंध है जाखम नदी से, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में। तो यहां देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, जाखम परियोजना कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर स्थित है। जाखम नदी कहाँ? प्रतापगढ़ में। अगला देखिए 61 क्वेश्चन, परंपरागत जल स्रोत हैं। परंपरागत जल स्रोत कौन कौन से हैं? कुआ है, बावड़ी है, जौहड़ है, टांका है और खड़ीन है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि ये जौहड़ क्या होता है, टांका क्या होता है, खंडीन क्या होता है। तो जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही है, और जो अदर स्टेट के हैं उन्हें नहीं पता होता है कि ये जौहड़ क्या होता है, खंडीन क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप तो बस ये नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से परंपरागत जल स्रोत कौन सा नहीं है, तो वहां पर एक कोई और नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कुआ, बावड़ी, जौहर, टांका, खडीन, ये सब क्या हैं? परंपरागत जल स्रोत हैं। अगला देखिए, गोवर्धन सागर और रंग सागर झील किस जिले में स्थित है? यह उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जना सागर और स्वरूप सागर झील किस जिले में है? तो यह भी उदयपुर जिले में है। क्वेश्चन 64 है, गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? तो देखिए, जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से ही स्पष्ट है कि जय सिंह ने जयसम्मत झील का निर्माण करवाया था 1687 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर। तो यह विश्व की सबसे बड़ी निर्मित झील है मीठे पानी की। ठीक है, मानव निर्मित झील है मीठे पानी की। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? मैंने आपको बताया जयसम्मत झील, जो कि विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। जोधपुर की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? जोधपुर की झीलें हैं बालसम्मत झील, कायलाना झील और उम्मेद सागर झील। अगला देखिए, जैसलमेर में स्थित झील का क्या नाम है? जैसलमेर में स्थित झील है उसका नाम है गणीसर झील। नेक्स्ट है, गैप सागर झील, गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर ग के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, यह डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नौचौकी कहते हैं। तो राजसमंद झील जो कि रासिंग से संबंधित है, और जयसमंद झील जयसिंह से संबंधित है। आनंद सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह अजमेर में स्थित है, और अर्णो राज के द्वारा ये निर्मित करवाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, 72 क्वेश्चन,
कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बीकानेर में स्थित है। सिलीसेठ झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेठ झील कहाँ है? तो यह झील जो है राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? वर्तमान में जल संरक्षण की, जल को बचाने की कौन सी विधि जो है प्रचलित है? तो यह रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग विधि जो है वर्तमान में प्रचलन में है। तो देखिए, रूफटॉप जो विधि है ये कैसी है, इसमें घर की जो छत होती है वहां पर से पानी जो है इस तरीके से वर्षा के जल को घर के नीचे जो कुआं बना दिया जाता है उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। और वहीं वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है वो क्या होती है, इसमें वर्षा का जो वेस्ट पानी जो बह रहा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, भूमिगत कर लिया जाता है। ठीक है, वहां पर कुएं में इकट्ठा करते हैं और यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग में भूमिगत कर लिया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या अभिप्राय है, वर्षा का जो वेस्ट पानी होता है उसको क्या करते हैं, भूमिगत करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट, क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देने की कोशिश करना है यदि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। रबी की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट देखिए, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो रबी की फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो वह है गेहूं, जौ, चना और सरसों। याद रखना है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये क्या है, रबी की फसल है। अगला देखिए, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो यह जुलाई अगस्त में की जाती है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वही रबी की हमने देखा, गेहूं, जौ, चना, सरसों है, और खरीफ की है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना और तिल। ठीक है, तो इनमें से एक ही उठाकर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ज्वार, बाजरा, मूंग और जौ, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? तो वहां आप करेंगे कि जौ एक रबी की फसल है। तो इस तरीके से सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जायद की फसल की बुआई कब की जाती है? जायद की फसल की बुआई कब की जाती है? तो यह की जाती है मार्च अप्रैल में। तो जैसे ही रबी की फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद जायद की फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख जायद की फसल कौन सी है? प्रमुख जायद की फसल कौन सी है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी जायद की फसल है। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश सर्वाधिक अनाज कौन सा है? राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो देखिए, हमारे भारत में बाजरा, सरसों, ग्वार सबसे ज्यादा राजस्थान में बोया जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित होता है बाजरा, सरसों और ग्वार। तो यहाँ बाजरा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगला देखिए, राजस्थान में जौ, चना उत्पादन में देश में किस स्थान पर आता है? तो राजस्थान हमारे जौ, चना जो फसल है इनमें सेकंड नंबर पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो सभी जानते हैं इसका आंसर कि बाजरा सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है। बाजरे को कम पानी चाहिए होता है, तो यह मरुस्थलीय राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक उत्पादित होता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा खेती की जाती है मक्का की। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का।
राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर में। ठीक है, तो अब तीन क्वेश्चन जो कि मैंने अभी अभी आपको बताए हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा, उत्तरी राजस्थान जो है वहां सर्वाधिक श्री गंगानगर में गेहूं, और वहीं दक्षिणी राजस्थान में मक्का बोया जाता है। और राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर गेहूं जो है आता है श्री गंगानगर में। ठीक है, जो राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है वह है श्री गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितनी हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितनी हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती है? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से 17.5 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल हेतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? राजस्थान में कुल बोई जाने वाली जितनी फसल है उसमें से कितना प्रतिशत फसल सिंचाई की सुविधा हेतु उपलब्ध है? तो देखिए यहाँ 35% फसल जो हेतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई यहाँ पर कुएं से होती है, ट्यूबवेल से होती है 66%। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से 66% सिंचाई होती है, वहीं पर 33%, लगभग उसका आधा, नहरों से सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तो सबसे ज्यादा कुएं और ट्यूबवेल से, और सबसे कम तालाब से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में, राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11.27%। नेक्स्ट देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार किन पशुओं की संख्या में कमी आई है? तो यहाँ पर ऊंट, गधे, इनकी सर्वाधिक संख्या में कमी आई है, और इसके अलावा भेड़ बकरी की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन सर्वाधिक कमी जो है वह ऊंट और गधों में आई है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो सर्वाधिक खनिज कौन सा है, यहाँ सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट जो है पाया जाता है। कौन सा खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो किन किन खनिजों में राजस्थान जो है एकाधिकार रखता है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, इन पर राजस्थान का एकाधिकार है। तो हमारे इस चैप्टर में 23 क्वेश्चन ही निकल कर आए हैं, और ये सभी 23 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको अच्छे से याद करना है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान की कुल कितनी साक्षरता है? तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान की कुल कितनी साक्षरता है, तो यह है 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान में, तो यह है 79.19%। राजस्थान में वही महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ महिला साक्षरता दर है 52.12%। तो कुल साक्षरता दर 66.11 है, वही पुरुष साक्षरता 79.19% है, और महिला साक्षरता 52.12% है। ठीक है, तीनों ही आपको याद रखने होंगे। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? तो यह 1000 की आबादी पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वह स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए गए हैं? तो ये किए गए हैं
30,000 की आबादी पर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं? 1 लाख की आबादी पर कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वह किए गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो देखिए 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, और वहीं पर 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 7। राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले, और यहां पर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं 30। ठीक है, 33 जिलों में 30 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? तो हमें पता है कि डाक विभाग में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाते हैं। 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित हैं? 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित हैं? तो ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। ठीक है, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है एकमात्र राजस्थान का। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो यह की गई 1 अक्टूबर 1964 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के परिवहन के जो साधन है वहां सड़क परिवहन जो है वो अहम रोल है उसका। तो यहाँ पर राजस्थान में राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो यहाँ जोधपुर में सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की सबसे कम लंबाई न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? तो सर्वाधिक है जोधपुर जिले में और न्यूनतम है धौलपुर जिले में। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH-15। ठीक है, NH-15 जो है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का। NH-15 को वर्तमान में किस नए नाम से जाना जाता है? तो NH-15 का वर्तमान नाम है NH-68। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, राजस्थान में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा है NH-15 जिसका वर्तमान नाम 68 हो गया, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-71। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। NH-71B को वर्तमान में किस नए नाम से जाना जाता है? तो इसे NH-919। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो इसका प्राचीन क्या नाम है वो भी याद रखिएगा, वर्तमान में इसका क्या बदल के आया है नाम वो भी याद रखिएगा, कि NH-71B जो है वह सबसे छोटा राजमार्ग है जिसका अब हम जानते हैं NH-919 के नाम से। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? कितने जोन हैं रेलवे के? दो हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन आंसर को नहीं देख रहे हैं उनको बाद में तो देखना ही पड़ेगा, इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, और इनके द्वारा जो है खुद नोट्स जो है वो तैयार करिए ताकि आपको एक जगह सारी चीजें एग्जाम के टाइम में मिल सके। ठीक है, तो ये बार बार मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि RBSC की जो बुक्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से घोट कर पीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम जो है, चाहे कोई भी दें आप, अभी ग्राम सेवक का एग्जाम जब आएगा या फिर आपका जो भी एग्जाम हो भी चुके हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर में है।
राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई? राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई? तो यह जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई थी अप्रैल 1874 में। ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली राजस्थान की पहली रेलगाड़ी। तो ये आपके चैप्टर का अंतिम प्रश्न था, चैप्टर 9 में राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। यहाँ हमने हर एक लाइन जो है वो देखी है चैप्टर की। चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ताकि आपका चैप्टर जो है वो उसमें से एक भी लाइन ना छूटे। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? तो यहाँ पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं, डूंडाड़ी जिसे जयपुरी कहते हैं, खाड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी। लोक नाट्य शैली में आते हैं, लोक नाट्य शैली में आते हैं ख्याल, हैला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, राजधारी, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवई। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में कि हैला क्या है। आपका आंसर होना चाहिए लोक नाट्य शैली में आता है हैला। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी राजस्थान की 4 बोलियां हमने देखी थी, जयपुरी, हाड़ोती, मेवाती और अहिरवाटी। वहीं मारवाड़ी की, वहीं पर पश्चिमी राजस्थानी भाषा की देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 4 है, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर का त्योहार जो है मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गणगौर के त्योहार में गण व गौर शब्द किसके सूचक हैं? गणगौर के त्योहार में गण व गौर शब्द किसके सूचक हैं? तो यह शिव और पार्वती के सूचक हैं। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वह है तीज का त्योहार, जो कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 है, भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 है, होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह मनाया जाता है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, एक जयपुर में शीतला माता का मंदिर है और एक उदयपुर में भी है। तो यहाँ जयपुर में पूछा है शीतला माता का मंदिर कहाँ है, सील की डूंगरी पर। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो यह है बल्लभ नगर कस्बे में। ठीक है, याद रखना है जयपुर के पास में चाकसू की सील की डूंगरी है और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता का मंदिर का मेला लगता है। पुष्कर मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में किया जाता है। केला माता के मेले को सवाई माधोपुर में क्या कहा जाता है? तो इसे हम लक्की मेला के नाम से भी जानते हैं और यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। केला देवी का मेला आयोजित होता है, तो यह चैत्र कृष्ण द्वादशी से और चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। ठीक है, कृष्ण द्वादशी और शुक्ल द्वादशी तक भरता है और यह चैत्र माह में लगता है। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है, महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है, महावीर जी का जो मेला है वह सवाई माधोपुर जिले में लगता है और यह चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीय तक भरता है। और महावीर जी का मेला जो है, जो कि 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी जो हैं उनके नाम से ही ये मेला लगता है।
महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही बारीक प्रश्न है यह। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? तो यह लाल रंग का है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह मेला कोटा का प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? हरियाली अमावस की जो मेला है उसकी शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? तो यह महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में उदयपुर में हुई थी। महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस के मेले की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे, तो ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे और इन्हें हम गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा साहब का उर्स या ख्वाजा साहब का जो मेला है वह कब और कहाँ लगता है? तो यह मेला लगता है अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। तो याद रखना है, ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वह है वैनेश्वर का मेला। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वैनेश्वर का मेला। वैनेश्वर मेले का आयोजन कब और कहाँ होता है? वैनेश्वर मेले का आयोजन कब होता है और कहाँ होता है? तो यह मेला डूंगरपुर जिले में माही सोम जाखम नदी के संगम पर होता है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठाती माता कौन सी हैं? बीकानेर के शासकों की अधिष्ठाती माता कौन सी हैं? तो वो हैं करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वह लगता है फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, और कहाँ लगता है? सीकर जिले में लगता है। बाबा रामदेव का मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बाबा रामदेव का मेला जो है वह भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 2वीं से प्रारंभ होता है, एकादशी तक चलता है और यह जैसलमेर कस्बे के पास जो रुणीचा नामक स्थान है वहां पर ये मेला जो है वह लगता है। गलियाकोट का उर्स कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गलियाकोट का उर्स जो है वह आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील में, ठीक है, सांग नहीं है ये, सॉरी सागवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है। गलियाकोट उर्स किसकी मजार पर होता है? तो यह उर्स जो है वह फकरुद्दीन मौला की मजार पर होता है। किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है? किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है? तो यह फकरुद्दीन जो मौला की मजार है इसको कहते हैं मजार ए फकरी। याद रखना है, मजार ए फकरी किसे कहा जाता है? फकरुद्दीन मौला की मजार को। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है? दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं? राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं? तो वो हैं रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तो इसकी ट्रिक जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी जब चैप्टर पढ़ाया था, राम गो पहाड़ में, राम गो पहाड़ में, राम से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा का पहाड़ का जो पा है उससे है बाबू जी और हा से है हड़बू जी और मे से है मेहा जी। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला देखिए, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो यहाँ नवमी वर्ड आ गया है, इसका मतलब नवमी में तो मनाई जाएगी। तो गोगा नवमी जो है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो देखिए,
भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में हम मनाते हैं और इस दिन गोगा जी की पूजा करते हैं। और गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। तेजा जी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तेजा जी जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो इनके मेले का आयोजन पर्वत सर नागौर में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऊंटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से हैं? तो ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं पाबू जी। पाबू जी जो क्या थे? राठौर थे। तो पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला देखिए 34 क्वेश्चन, पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है वह 50% बच्चों को नहीं आता है। पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है? तो वह है पाबू मंड। ठीक है, पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मेड़ता में हुआ था। राठौर वंश के कुड़की ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था? तो ये तो राठौर वंश की थी और इनका विवाह जो है वह हुआ था सिसोदिया वंश के महाराणा जो थे भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी गया है रीट के एग्जाम में। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? तो इन्होंने भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इनके प्रवर्तक हैं जाम्बो जी। ठीक है, जाम्बो जी महाराज जो हैं वह विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बो जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जाम्बो जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में जाम्बो जी का जन्म हुआ था और बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। संत जसनाथ जी का जन्म कतरिया सर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे? तो जसनाथ जी गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलग जगाई, देखिए खुद तो अशिक्षित थे लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, तो जाने जाते हैं श्रद्धानाथ जी। याद रखना है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में श्रद्धानाथ जी जाने जाते हैं, जो खुद शिक्षित नहीं थे लेकिन इन्होंने जन जन में शिक्षा की अलख जगाई थी। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? तो इनका शेखावटी से संबंध था। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ किया था? इन्होंने देह त्याग किया था सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है, और यहीं पर एक आश्रम जो है उसका निर्माण करवाया था, जहां पर सभी वर्गों के लोग जो है वह रहते थे। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? अब आपने देखा है, आपने हाल ही में एग्जाम दिया था कि ये जो वाक्य होते हैं यह भी आते हैं, किसी के कथन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास स्थान है। तो वो संत कौन है जिन्होंने ये आदर्श वाक्य कहे? वो है श्रद्धानाथ जी। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला यानी लकड़ी की जो कला है, लकड़ी से जो भी चीजें बनाई जाती हैं, तो इस कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वह है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाड़ कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? लकड़ी के बेवाड़ कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ में ही बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए जो स्थान है वह है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? लकड़ी की मूर्तियों के लिए जो स्थान है वह कौन सा है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लकड़ी का फर्नीचर जो है वह शेखावटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो देखिए, कास्ट कला से संबंधित जो है 5-6 क्वेश्चन जो है वह बनते हैं। क्या क्या बनते हैं कि
बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है वह काष्ठ कला के लिए इसका प्रधान केंद्र है यहाँ पर। और ये जो लकड़ी के खिलौने हैं, कठपुतली जो है, ये कहाँ पर बनती हैं? उदयपुर जो है वह प्रसिद्ध है इसके लिए। जो जेठाना डूंगरपुर है वहां लकड़ी की मूर्तियां बनती हैं। शेखावटी और बीकानेर में यहाँ फर्नीचर बनता है। तो ये क्या वहां, ये जहां के भी प्रसिद्ध हैं वो चीज आप याद रखिएगा इन सभी के नाम। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो प्रसिद्ध स्थान है मौलेला नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के पास में ही मौलेला गांव है जो कि इस काम के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित कहाँ की जाती हैं? यह अलवर और बाड़मेर में निर्मित की जाती है। ठीक है, मिट्टी से मूर्ति बनाना ही क्या है, टेरा कोटा है। तो देखिए, टेरा कोटा जो है मिट्टी से मूर्तियां जो हैं, बहुत सारी सजावटी वस्तुएं जो हैं वह बनाई जाती हैं, और नाथ द्वारा के जो पास में मौलेला गांव है इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर अलवर और बाड़मेर में भी यहाँ टेरा कोटा की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लाख के आभूषण प्रसिद्ध हैं जयपुर और जोधपुर के। किस स्थान की थेवा कला प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, किस स्थान की थेवा कला प्रसिद्ध है यहाँ। हालांकि ये रीट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और ये थेवा कला क्या है, परिभाषा देखिए। कांच पर बारीकी सोने की जो नक्काशी होती है उसे कहते हैं थेवा कला। ब्लू पॉटरी किसे कहा जाता है? ब्लू पॉटरी किसे कहा जाता है? तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन जो होते हैं इन पर ब्लू यानी नीले रंग के अंकन को कहते हैं ब्लू पॉटरी। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है जयपुर जिले में। कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से स्थान हैं? कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान हैं बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, पाली और बस्सी, जहां पर कपड़े की छपाई होती है, और ये स्थान प्रमुख हैं। तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। हमारी 6th क्लास भी होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।